फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप डिश वॉश जेल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी मिल सके। और फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड जितने भी मेरे नए नए वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आप डिश वॉश जेल मैन्युफैक्चरिंग करें तो इसके मार्केट पोटेंशियल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि डिश वॉश जेल का अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा मार्केट पोटेंशियल है और इसका मार्केट डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि डिश वॉश जेल जो है हर एक घर की ज़रूरत है। आप लोगों को पता है कि हर एक घर में खाना बनता है तो वहाँ पर बर्तन भी धुलाते हैं, तो बर्तन धोने के लिए डिश वॉश जेल का यूज होता है। तो ये हर एक घर की जरूरत है, तो इसको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे आपको पोटेंशियल मालूम चल रहा है। इसके अलावा जितने भी ऑफिस के होते हैं या कॉलेज में अलग से एक पैनेट्री डिपार्टमेंट रहता है, वहां पे भी जो है डिश वॉश जेल का रिक्वायरमेंट रहता है। तो फ्रेंड्स, मार्केट की कमी नहीं होने वाली, बस आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है और मार्केट में सेल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी डिश वॉश जेल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए सही है, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे कि अगर आप डिश वॉश जेल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको इस यूनिट को ओपन करने के लिए एरिया होना चाहिए 200 स्क्वायर फीट से लेकर 300 स्क्वायर फीट, जिसमें आपका प्रोडक्शन एरिया, एडमिन एरिया और स्टोरेज एरिया इंक्लूड है। इसके बाद आपको दो नंबर ऑफ मेन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसके अलावा आपके पास में आपके रीजनल मार्केट का डिश वॉश जेल के मार्केट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस बिजनेस को सही तरीके से रन कर पाएंगे। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मेनली यही सारी चीजों की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस आपको लगने वाले। फ्रेंड्स, लाइसेंस की बात करें तो सबसे पहले जो है आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके जो है आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपने ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट को सेल करें मार्केट में, तो इसके लिए जो है आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी आपको लेना पड़ेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप डिश वॉश का जेल आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से रॉ मटेरियल आपको लगने वाले हैं। रॉ मटेरियल में सबसे पहले जो है आपको वाटर लगेगा, इसको जो है आपको कास्टिक लगेगा, एसिड सैलरी लगने वाला है, इसके अलावा SLES लगने वाला है, इसके अलावा जो है आपको साइट्रिक एसिड लगेगा, या आप कंसंट्रेटेड लाइम जूस भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सल्ट, येलो फूड कलर आपको लगेगा, लेमन परफ्यूम लगेगा, देन इसको जो है आपको पैकेजिंग मटेरियल लगने वाला है, जिसमें आपको बोतल लेना पड़ेगा और प्रिंटेड रैपर टेप होना चाहिए आपके पास में, ताकि आप जो भी बोतल तैयार करेंगे डिश वॉश जेल का तो उस पर जो है आपको अपना ब्रांड का लेबलिंग करना पड़ेगा। तो मेनली यही रॉ मटेरियल आपको जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंड्स, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो मशीन लगेंगे, तो वो कौन से मशीन आपको लगने वाले हैं और उसका क्या प्राइस है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मशीन की बात करें तो सबसे पहला जो मशीन है आपको ब्लेंडिंग मशीन लेना पड़ेगा, जिसको लिक्विड एजिटेटर मशीन भी बोलते हैं। ये 25,000 तक जो है आपका हाफ एचपी मोटर के साथ में आ जाता है। इसके अलावा जो है आपको फिलिंग मशीन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको 75,000 से लेके 1,25,000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे वेजिंग मशीन लगेगा, ये आपका ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर टोटल मशीन कॉस्ट की बात करें तो आपका 1,20,000 अप्रॉक्सिमेट आपका लगता है। देखिए, यहाँ पे तो मैंने पूरा मशीन बता दिया, अगर आप इसको मैनुअली तरह से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ड्रम लेना पड़ेगा, इसी में जो है आपको सारा सॉल्यूशन तैयार करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक पीवीसी पाइप लेना पड़ेगा, तो इसमें जो भी सॉल्यूशन होगा उसको ब्लेंड आप इसी पीवीसी पाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आएगा इस ड्रम का, अराउंड जो है आपको 1,000 रुपये आने वाला है, और एक पीवीसी पाइप लेंगे तो आपका 200-250 रुपये आपका आएगा। इसके बाद जो है आप इसमें जो सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो उसको आप मैनुअली जो है आप बोतल में फिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप अपने ब्रांड का लेबलिंग कर सकते हैं। तो अगर आप मैनुअली स्टार्ट करेंगे तो इसको जो है आप 50,000 में भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है किस तरह से जो है आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, आप मशीन के थ्रू करना चाहते हैं या आप मैनुअली करना चाहते हैं। मैंने दोनों यहाँ पे आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने फिलिंग मशीन नहीं देखा है तो देख सकते हैं, ये जो है फिलिंग मशीन है, मैंने इंडिया मार्ट से निकाल के यहाँ पे लगाया है, जिसका प्राइस 78,000 पर पीस है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ब्लेंडिंग मशीन नहीं देखा तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये जो ब्लेंडिंग मशीन है नीचे में ब्लेंडिंग ब्लेड लगा रहता है और ऊपर में जो है आपका हाफ एचपी का मोटर लगा रहता है, जिसको यहाँ पे प्राइस जो है 10,000 रुपये पर यूनिट है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डिश वॉश जेल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट को मैंने पूरा बाइफरकेट करके बताया, तो आप पूरे ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट है, आपको यहाँ पे मशीन परचेस करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि पूरा मशीन जब परचेस करेंगे तो आपको 1,20,000 रुपये आपका टोटल कॉस्टिंग आ जाता है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, जिसमें आपका बोतल होगा और एक आपका खुद का ब्रांड का लेबलिंग होगा। तो यहाँ पे बोतल की बात करें तो आपका 9 रुपये पर पीस आ जाता है और 1 रुपये पर पीस जो है आपका ये लेबलिंग पड़ेगा। तो यहाँ पे टोटल जो है 500 पीस जो है मिनिमम आपको परचेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद रॉ मटेरियल जितना भी मैंने आपको बताया वो सारे को परचेस करने में आपको 10 रुपये खर्च हो जाएगा, और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल जो है आपको
आपको 25,000 रुपया रखना पड़ेगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको 1,60,000 रुपया लगने वाला अगर आप मशीन के साथ में डिस वॉश का जेल आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जानकारी हो गया कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपको कितना लगने वाला। तो अब हम बात करेंगे कि आप इस बिजनेस से कितना आप कमा सकते हैं। देखिए पर डे आप कितना कमा सकते हैं ये टोटली डिपेंड करेगा पर डे प्रोडक्शन पे। पर डे प्रोडक्शन आप कैसे निकालेंगे, उसका कॉस्टिंग कितना लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 1 लीटर डिस वॉश जेल का बनाने में कितना आपको खर्च आ रहा है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल में बात करें तो सबसे पहले जो है आपको वाटर 650 ml लगेगा। देन इसके बाद आपको जो है कास्टिक लगेगा 15 ग्राम, तो यहाँ पे 50 पैसा आपका कास्टिक का लग जाएगा। एसिड सैलरी जो है 100 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा जिसके लिए आपको 12 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। SLES जो है आपको 200 ग्राम मिलाना पड़ेगा जिसके लिए आपको 7.5 रुपया आपको खर्च आ जाएगा। इसके बाद जो है साइट्रिक एसिड जो है 6 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा जिसके लिए आपको 25 पैसा खर्च आएगा। देन इसका जो है आपको नमक 7 ग्राम आपको मिलाना पड़ेगा जिसके लिए जो है आपको 20 पैसा अराउंड खर्च आ जाएगा। इसके बाद जो है आपको येलो फूड कलर और लेमन परफ्यूम जो है आपको मिलाना पड़ेगा जिसमें आपको 50 पैसा खर्च आ जाएगा। देन इसका जो है आपको पैकेजिंग मटेरियल यहाँ पे लगेगा, आपको यहाँ पे एक बोतल लगेगा 1 लीटर वाला, इसके अलावा जो है प्रिंटेड स्टिकर लगेगा। तो यहाँ पे टोटल जो है 9 रुपये मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। इसके बाद लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे आपको 2 रुपया खर्च होगा 1 लीटर के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल कॉस्ट की बात करें तो आपको 1 लीटर डिश वॉश जेल बनाने का जो खर्चा है 31.75 रुपया आने वाला। तो यहाँ पे हम लोग राउंड फिगर जो है 32 रुपये इसको कंसीडर करके चलेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जानकारी हो गया कि 1 लीटर डिश वॉश जेल आप बनाएंगे तो आपको 32 रुपये खर्च आने वाला है। फ्रेंड्स आप इसी डिश वॉश जेल को जो है आप मार्केट में जो है 60 रुपये 70 रुपये में जो है आप बेच पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे 1 लीटर डिश वॉश जेल की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको पता है कि अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिके जाने वाला डिश वॉश जेल कौन सा है, वो विम कंपनी का है। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे विम कंपनी का जो डिश वॉश जेल है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 लीटर का जो है 155 रुपये प्राइस है, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका एडवांटेज भी है क्योंकि फ्रेंड्स इसके ब्रांड अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है और आपका ब्रांड का कोई भी अवेयरनेस मार्केट में नहीं होगा, तो उस केस में जो है आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको जो है कम प्राइस में जो है आपको एंट्री मारना पड़ेगा मार्केट में। तो यहाँ पे और भी दूसरे ब्रांड का भी आप चेक कर सकते हैं कि वो सारे ब्रांड जो है अपने डिश वॉश जेल का क्या प्राइस रखे हैं। तो यहाँ पे मुझे एक अलग ब्रांड का डिश वॉश जेल यहां पे दिख रहा है, तो यहां पे 1500 ml का प्राइस जो है 327 रुपया लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे कि आप अपने ब्रांड का डिश वॉश जेल का क्या प्राइस आप कंसीडर करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप 1 लीटर डिश वॉश जेल के जो है आप मार्केट में 60 रुपये से 70 रुपये में आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आप डिश वॉश जेल जो बनाएंगे आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में 60 रुपये से लेकर 70 रुपये के बीच में आप सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप पूरे दिन भर में आप 100 लीटर पर डे यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं डिश वॉश जेल का, तो इसके हिसाब से जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है पर लीटर पे मैंने 30 रुपया कंसिडर किया। इसके हिसाब से जो है आप प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका जो पर डे का प्रॉफिट है 3000 रुपये आने वाला है। तो फ्रेंड्स इसके हिसाब से आप मंथली प्रॉफिट भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है क्योंकि इसका मार्केट डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है, क्योंकि आज के समय में जो है इसका डिमांड कंटिन्यूस बढ़ते ही जा रहा है, इसका डिमांड कभी घटेगा नहीं, तो इसलिए इस बिजनेस का जो डिमांड है 12 महीना पूरा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स कभी भी इस प्रोडक्ट का डिमांड घटेगा नहीं, तो अगर आप भी ऐसा बिजनेस करने के लिए सोच रहे तो फ्रेंड्स इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि आप अपने यूनिट में डिश वॉश जेल तो बना लेंगे तो उसको जो है आप कहाँ कहाँ अप्रोच कर सकते हैं सेल करने के लिए। फ्रेंड्स सबसे पहले आपके रीजन का जितना भी रेस्टोरेंट है आपको वहाँ पे अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी हाउसिंग सोसाइटीज़ है आपको वहाँ पे डोर टू डोर मार्केटिंग करवाना चाहिए। फ्रेंड्स जब तक आप डोर टू डोर मार्केटिंग नहीं करवाएंगे तब तक जो है आपका ब्रांड अवेयरनेस नहीं होगा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो दूसरा है जितने भी रेलवे के कैंटीन वेंडर्स है आपको उसको अप्रोच करना चाहिए। इसके अलावा जितने भी आपके एरिया में रिटेल शॉप है आपको वहाँ पर भी अप्रोच करना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर सेल करवाना चाहते हैं अपने एरिया में तो फ्रेंड्स आपको अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। देन इसके बाद जो है आप B2B और B2C मार्केट प्लेस पर जो है आप खुद को एज अ सेलर रजिस्टर करके जो है आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको डिजिटल प्रेजेंस भी बनाना पड़ेगा। देन इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन्स जो है आपको चलाने पड़ेंगे आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में सक्सेस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे सका कि अगर आपको डिश वॉश जेल का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि फ्रेंड्स जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। और इस बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आप लोग मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर आ सकते हैं, वहां पर मुझे फॉलो कीजिए, पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं डेफिनेटली इस बिजनेस के रिगार्डिंग आपको गाइड करने वाला हूं।